इसमें ले रहानी रहीम अब हम एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री मेथड ऑफ अन स्टार्ट की भी है इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे नाउ फॉर वाई सी अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड करना है तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास बन जाती है नाउ द सोल्यूशन अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये डी स्केयर प्लस थ्री डी प्लस वन इज इक्वल जीरो है सॉरी यहाँ पर टू है टू डी स्केयर प्लस थ्री डी प्लस वन सो अब हम इसके रूट्स uh, फाइंड करेंगे देन टू डी स्केयर प्लस टू वन जो टू होता है तो सीधा सीधा टू डी प्लस डी प्लस वन इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है टू डी कॉमन डी प्लस वन प्लस वन डी प्लस वन इज इक्वल जीरो डी प्लस वन इंटू टू डी प्लस वन सो रूट्स निकलते हैं डी की वैल्यू माइनस वन एंड माइनस वन बाय टू तो दोनों रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं एंड रियल नंबर है नो कॉम्प्लेक्स नंबर सो वाई सी हमारे पास बन जाता है सी वन एक्सपोनशियल माइनस एक्स प्लस सी टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाय टू अब यहां पर देखें कि हमने अब जो वाई पी फाइंड करना है तो यहाँ पर दो टर्म्स का सम है एक हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल है एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में है तो हम वाई सी इस एक्स स्केयर के लिहाज से अलग फाइंड कर लेंगे और थ्री साइन एक्स के लिहाज से हम अलग सॉल्व इसको कर लेंगे और बाद में हम इनको कंबाइन कर लेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी हमारे पास अ पर्टिकुलर सोल्यूशन तो हमारे पास बनता है टू वाई डबल डैश प्लस थ्री वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल एक्स के इसके लिए हम अलग फाइंड कर लेंगे और नेक्स्ट है टू वाई डबल डैश प्लस थ्री वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल थ्री साइन एक्स यहाँ हम इसको इक्वेशन नंबर वन दे लेते हैं और इक्वेशन टू एंड थ्री अब इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री के लिए अलग अलग वाई पी और बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इनका लास्ट में दोनों का वाई पी जो है वो एड कर लेंगे तो फॉर फॉर सेकेंड इक्वेशन जो ये सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए हम अज्यूम करते हैं वाई पी अब यहाँ पर हमारे पास वाई पी जो है जो राइट right साइड है वो एक सेकंड ऑर्डर सेकंड पावर डिग्री की का पोलिनोमियल है तो यहां पर आ जाएगा एक्स के अब चूंकि पावर टू है सो ए एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी अब इसके की वैल्यू डिपेंड करती है वाई सी में कोई कोई टर्म सिमिलर नहीं होनी चाहिए तो चूंकि यहां पर एक्सपोनेंशियल uh, फॉर्म में है और ये सिंपल हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है का अपोलिनोमियल है सो so, k की वैल्यू हम यहाँ पर क्योंकि कोई टर्म सिमिलर नहीं है सो वी विल सिलेक्ट k इज इक्वल जीरो नाओ सो वाई पी अब हमारे पास आ जाता है एक्स की प्लस बी एक्स प्लस सी अब इनके हमने derivative linear first time and second derivative. So the first derivative will be 2ax plus b and the second derivative is 2a. Now substituting in equation 2 we have 2 into 2a plus 3 into 2 ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वेटिंग लाइक टर्म्स तो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स केयर में यहाँ ए है ए इज इक्वल वन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट इज अब एक्स वाली टर्म्स हम कर लें एक्स वाली टर्म यहाँ थ्री टूज आर सिक्स ए प्लस बी इक्वल जीरो फ्रॉम हियर वी गेट बी इज इक्वल माइनस सिक्स ए और ए की वैल्यू इज इक्वल वन सो बी इज इक्वल माइनस सिक्स नाउ द कांस्टेंट टू टूज आर फोर ए प्लस थ्री बी एंड प्लस सी इज इक्वल जीरो, ए की वैल्यू पुट की तो सी इज इक्वल माइनस फोर माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस माइनस प्लस एंड एटीन इज इक्वल फोर्टीन सो सी इज इक्वल फोर्टीन अब हमारे पास वाई पी जो है इस uh, जो सेकेंड इक्वेशन है उसके लिहाज से वाई पी हमारे पास बन जाता है नाउ वाई पी इज इक्वल ए की वैल्यू वन था वन थी सो एक्स स्केर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन अब इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन के लिए वाई पी सॉल्व कर लेंगे अब ये हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है इसमें थ्री साइन एक्स राइट साइड पे इन्वॉल्व है सो फॉर थर्ड इक्वेशन वी ज्यूम वाईपीएस अब चूंकि जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें ए बी एंड सी कॉन्स्टेंट जो हैं वो हमने इंट्रोड्यूस कर ली हैं तो यहाँ पर सी uh, ले, ले, uh, e ले, ले लेते हैं अब यहां पर देखें कि चूंकि राइट साइड पे हमारे पास साइन एक्स है तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द टेबल जब साइन हो या कॉस हो तो दोनों दफा हम साइन uh, uh, वो कांस्टेंट साइन एक्स प्लस कांस्टेंट कॉस एक्स इन्वॉल्व करते हैं तो अगेन एक्स के आ जाएगा और चूंकि पहले ए बी एंड सी तक वाई uh, पी हमने uh, उसके में कांस्टेंट्स ले ली हैं सो डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स अब अगेन ये के की वैल्यू वाई सी के ऊपर डिपेंड करती है चूंकि वाई सी में एक्सपोनेंशियल टर्म है सो so कोई टर्म सिमिलर नहीं है सो पुट के इज इक्वल जीरो देन वाई पी इज इक्वल है डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स अब इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं देन वाई पी डैश इज इक्वल डी साइन का कहा जाता है डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड कॉस का होता है माइनस साइन एक्स एंड सेकेंड डेरिवेटिव माइनस डी साइन एक्स माइनस ई कॉस एक्स पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन थ्री वी हैव टू माइनस डी साइन एक्स माइनस ई Cos x plus three D cos x minus E sine x plus D sine x plus E cos x is equal three sine x. So again equating लाइट टर्म्स यानी हम साइन एक्स वाली अगर इक्वेट करते हैं देन वी हैव माइनस टू डी माइनस थ्री ई प्लस डी इज इक्वल थ्री तो इसको सिंप्लीफाई कर लें माइनस डी माइनस थ्री ई इक्वल थ्री एंड कॉस एक्स वाली टर्म्स अगर देखते हैं तो देन माइनस टू ई प्लस थ्री डी एंड प्लस ई इज़ इक्ल ज़ीरो तो यह है थ्री डी माइनस ई इज इक्वल ज़ीरो इनको सॉल्व कर लें दिस इज इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव नौ अब हमारे पास था सॉल्विंग इक्वेशन फोर एंड फाइव माइनस डी माइनस थ्री ई इज इक्वल थ्री एंड थ्री डी माइनस ई इज इक्वल जीरो इसको भी हम थ्री से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस थ्री डी माइनस थ्री थ्री जर नाइन ई इज इक्वल नाइन थ्री डी माइनस ई इज इक्वल जीरो सो इट विल बी कैंसल आउट एंड माइनस टेन इक्वल नाइन सो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस नाइन बाय टेन एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन फाइव में अगर पुट कर लें देन ई इज इक्वल हमारे पास थ्री डी है और ई e हमारे पास कैल्कुलेट हुआ है नाइन माइनस नाइन बाई टेन सो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है डी इज इक्वल माइनस थ्री बाय टेन एंड वाई पी हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ डी साइन एक्स था यानी यानि माइनस थ्री ओवर डी साइन एक्स माइनस नाइन बाई टेन कॉस एक्स द जनरल सॉल्यूशन अब हमारे पास नाउ द जनरल सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल वाई सी प्लस वाई पी होगा देन वाई इज इक्वल वाई सी मैं कैलकुलेट हुआ था सी वन ई माइनस एक्स प्लस सी टू ई माइनस एक्स बाई टू और जो एक्स स्कीयर था उसके लिए वाई पी है एक्स स्कीयर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोरटीन और जो थ्री साइन एक्स वाली इक्वेशन बनी थी उसके लिहाज से था माइनस नाइन बाय टेन कॉस एक्स माइनस थ्री बाय टेन साइन एक्स दिस इज आर फाइनल जनरल सॉल्यूशन अब ये क्वेश्चन नंबर फोर इसका यूसी मेथड से हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इक्वेशन हमारे पास है वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल एक्सपोनशियल ऑफ एक्स कॉस एक्स तो सबसे पहले हमने इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करनी है द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है डी स्क्र प्लस टू डी प्लस वन इज इक्वल जीरो तो इसको जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास रूट्स आ जाते हैं इसके माइनस वन माइनस वन दोनों रिपीटेड है माइनस वन रिपीट हो रहा है सो वाई सी हमारे पास ये रिपीट होने की वजह से बन जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स नौ फॉर वाई पी अब हमने वाई पी लेना है तो वाई पी ज्यूम जो करेंगे एक्स पावर के और राइट साइड देखेंगे ई एक्स कॉस एक्स है तो कॉस एक्स की वजह से यहाँ पर हमारे पास ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स लेकिन चूंकि ई एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ई एक्स अब के की वैल्यू डिपेंड करती है कि कोई टर्म इसमें सिमिलर तो नहीं है अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास कांस्टेंट ई माइनस एक्स है और एक्स ई माइनस एक्स ये टर्म इन्वॉल्व है जबकि वाई पी हमने जो देखा है उसमें साइन कॉस एक्स और ई e, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है यानी बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं उसमें एक इसमें एक टर्म ई माइनस एक्स की है एक टर्म एक्स ई माइनस एक्स है तो यहाँ पर एक टर्म कॉस एक्स ई e, x है एक टर्म साइन x e x दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं सो वी सिलेक्ट k इज इक्वल जीरो सो फाइनली वाई पी हमारे पास आ जाता है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एंड ई एक्स अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है सो वाई पी डैश इज इक्वल पहले इसके हिसाब से डेरिवेटिव ले लें फिर ई एक्स के तो ए कॉस का आ गया माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन का आ जाता है कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स एज इट इज एंड नाउ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और ई एक्स का डरेवेटिव ई एक्स ही आया अगेन इसको थोड़ा हम अरेंज कर लें ताकि सिंप्लीफाई थोड़ा हो जाए एक्सपोनशियल ऑफ एक्स कॉमन ले लिया एंड पहले कॉस एक्स वाली टर्म लिख लें तो ए प्लस बी कॉस एक्स एंड माइनस ए प्लस बी साइन एक्स ये वाई पी डैश आ जाता है नो वाई पी डबल डैश ई एक्स के हिसाब से अगर पहले फर्स्ट टर्म इसका डेरिवेटिव ले लेंगे ई एक्स आ जाएगा एंड ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी साइन एक्स एंड प्लस ई एक्स एज इट इज अब इसका हम डेरिवेटिव लेना है ए प्लस बी कॉस एक्स का चाहेगा माइनस साइन एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी साइन एक्स का होता है कॉस एक्स अब इनको सिंप्लीफाई करें देन वी हैव वाई पी डबल डैश एक्सपोनेंशियल एक्स कॉमन और ये कॉस एक्स कॉस एक्स तो इसको सॉल्व करेंगे देन वी हैव टू बी कॉस एक्स और इसी तरह इनको सॉल्व करें देन वी हैव माइनस टू ए साइन एक्स तो वाई पी डबल डैश वाई पी डैश एंड वाई पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में सब्सीट्यूट करें देन वी हैव Exponential of x two B cos x minus two A sine x plus two exponential of x A plus B cos x plus minus A plus B sine x plus ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और एक्सपोनशियल ऑफ एक्स इज इक्वल ई एक्स कॉस एक्स लेफ्ट और राइट साइड से एक्सपोनशियल ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड नाउ इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स लाइक साइन एक्स एंड कॉस एक्स तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा टू बी कॉस एक्स माइनस Two A sine x plus two into A plus B cos x plus two into minus A plus B sine x plus A cos x plus B sine x is equal cos x. Now equating uh, light terms. हम कॉस एक्स वाली टर्म्स देख लें लेते वी हैव टू बी प्लस टू ए प्लस टू बी एंड प्लस ए इज इक्वल वन तो सिंप्लीफाई होता है ये फोर बी प्लस टू प्लस वन थ्री ए इज इक्वल वन जब साइन एक्स लेते हैं माइनस टू ए माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस बी इज इक्वल ज़ीरो यानी कि माइनस फोर ए प्लस थ्री बी इज इक्वल ज़ीरो अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें अब यहाँ पर इक्वेशंस हमारे पास हैं थ्री ए प्लस फोर बी इज इक्वल वन एंड माइनस फोर ए प्लस थ्री बी इज इक्वल जीरो इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई कर लें और इस इक्वेशन को फोर से देन वी हैव ट्वेल्व ए प्लस सिक्सटीन बी इज इक्वल फोर वन सेव फोर माइनस ट्वेल्व ए प्लस नाइन बी इक्वल जीरो सो वी हैव सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव बी इज इक्वल फोर तो बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है फोर बाय ट्वेंटी फाइव नॉ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन हम इसमें पुट कर लें देन वी हैव फोर ए इज इक्वल माइनस थ्री बी यानी के फोर बाय ट्वेंटी फाइव सो ए की वैल्यू निकलती है थ्री ओवर ट्वेंटी फाइव एंड वाई पी हमारे पास बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स थ्री बाय ट्वेंटी फाइव कॉस एक्स Plus four by twenty five and sin x. That's the general solution. General solution of YC plus YP. So Y is equal a YC clear to the C one E minus X. Plus C2X T minus X plus 1 by 25 exponential of X 3 cos X plus 4 sin X. So this is our general solution.